नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। नरेंद्र मोदी एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने विरोधी पार्टियों, विरोधी देशों से लोहा लेते हुए भारत की जनता के मन में अपने लिए कुछ ऐसा विश्वास पैदा किया कि 2014 के बाद 2019 में मोदी लहर नहीं बल्कि मोदी सुनामी चली और बीजेपी ने ही बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए 303 सीटों पर जीत हासिल की। वजह है पीएम मोदी के कामकाज का तरीका, विदेशी देशों के साथ उनके रिश्ते, भारत को आंख दिखाने वालों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना, जिससे प्रभावित होकर देश की जनता ने आंख मूंद कर नरेंद्र मोदी को ही अपना प्रधान सेवक चुन लिया। अब देश में पीएम मोदी का प्रभाव देश की जनता पर ऐसा है तो विदेश में भी उनसे प्रभावित लोगों की कमी नहीं है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी जहां पर भी जाते हैं, जिस तरह से लोग उनको आदर देते हैं, वो भारत के लिए गर्व की बात होती है कि दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को इज्जत देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अभी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए बिश्केक पहुंचे पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया, ऐसा कि किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सूरोनबे जीनबेकोव ने पीएम मोदी के लिए आदर का भाव दिखाते हुए उनके लिए छाता संभाला था। दरअसल हुआ ये था कि सम्मेलन के दौरान जब एक कार्यक्रम में बारिश होने लगी तो सिक्योरिटी बॉय की जगह किर्गिस्तान के राष्ट्रपति पीएम मोदी के लिए छाता संभालते हुए उन्हें कार्यक्रम स्थल तक ले गए थे। इससे पहले श्रीलंका के दौरे पर गए पीएम मोदी को श्रीलंका में भी इतना ही आदर मिला था। पीएम मोदी के सम्मान में राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने कोलंबो पहुंचने पर अन्य अधिकारियों के बजाय पीएम मोदी की अगवानी के लिए खुद ही छाता संभाल लिया था। और फिर प्रोटोकॉल को अलग रखकर जिस तरह विदेश में पीएम मोदी को सम्मान मिल रहा है वो कूटनीतिक लिहाज से काफी अहम है और भारत के लिए गर्व की बात है। वैसे भी 2014 से लेकर आज तक भारत ने जिस तरह से ऊंचाइयों को छुआ है उसे सबने देखा है, वो किसी भी सबूत की मोहताज नहीं है। बता दें कि पीएम मोदी को ये इज्जत बदले में मिल रही है क्योंकि उन्होंने भी प्रोटोकॉल को परे रखते हुए कई बार विदेशी मेहमानों का स्वागत किया है। बात सितंबर 2014 की, जब पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का अहमदाबाद में स्वागत किया था। फिर जनवरी 2015 में पीएम मोदी ने दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल तोड़ते हुए अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा का स्वागत किया था। फिर दिसंबर 2015 में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पीएम मोदी ने अपने जापानी समकक्ष का प्रोटोकॉल तोड़ते हुए जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे का स्वागत किया था। और ये सूची यही नहीं खत्म होती, इसके अलावा जनवरी 2016 में फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंक ओलांद का पीएम मोदी ने चंडीगढ़ में प्रोटोकॉल तोड़ते हुए स्वागत किया था। फिर जनवरी 2017 में अबुधाबी के प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का भी पीएम मोदी ने दिल्ली में स्वागत किया था। अप्रैल 2017 में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना का पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर दिल्ली में स्वागत किया था। अप्रैल 2017 में ही ऑस्ट्रेलियाई पीएम मेलकम टर्नबुल के साथ पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए दिल्ली मेट्रो में यात्रा की थी। फिर सितंबर 2017 में दूसरी बार पीएम मोदी ने भारत दौरे पर आए शिंजो आबे का अहमदाबाद में स्वागत किया था और शिंजो आबे ने पीएम मोदी के साथ अहमदाबाद में एक रोड शो में भी हिस्सा लिया था। नवंबर 2017 में पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप के साथ भी हैदराबाद में डिनर किया था। फिर जनवरी 2018 में 15 साल बाद भारत आए इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का भी दिल्ली में प्रोटोकॉल तोड़ते हुए पीएम मोदी ने स्वागत किया था। तो यहाँ पर अंग्रेजी की कहावत चरितार्थ होती है कि गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। पीएम मोदी ने भी अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों को इज्जत दी और बदले में उन्हें भी विदेशों में इज्जत, आदर और सम्मान प्राप्त हो रहा है। उदार आतिथ्य और स्वागत सत्कार के लिए भी उन्हें धन्यवाद देता हूं। एससीओ प्रमुखों की इस बैठक में भाग लेना मेरे लिए खुशी की बात है। भारत को
एससीओ के पूर्ण सदस्य के रूप में 2 साल हो चुके हैं। हमने एससीओ की सभी गतिविधियों में सकारात्मक योगदान दिया है। हमने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एससीओ की भूमिका और विश्वसनीयता में वृद्धि के लिए व्यापक एंगेजमेंट जारी रखे हैं। एससीओ क्षेत्र तथा भारत के इतिहास, सभ्यता और संस्कृति हजारों साल से परस्पर जुड़े हुए हैं। हमारे इस साझा क्षेत्र को आधुनिक युग में बेहतर कनेक्टिविटी की बहुत आवश्यकता है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, चाबहार पोर्ट, असगाबाद समझौते जैसे इनिशिएटिव्स कनेक्टिविटी पर भारत के फोकस को स्पष्ट करते हैं। हमने 2017 में काबुल और कंधार और नई दिल्ली और मुंबई के बीच एयर फ्रेट कॉरिडोर का भी संचालन किया है। संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, सुशासन, पारदर्शिता, व्यवहारिकता और स्थिरता के लिए समान कनेक्टिविटी के पहलों के आधार होने चाहिए। फिजिकल कनेक्टिविटी के साथ साथ पीपल टू पीपल संपर्क का महत्व कम नहीं है। हमारी ई पर्यटक वीजा सेवाएं अधिकांश एससीओ देशों के लिए उपलब्ध हैं। मुझे यह घोषणा करते खुशी हो रही है कि भारतीय पर्यटन की वेबसाइट पर शीघ्र ही एससीओ देशों के पर्यटकों की आसानी के लिए रूसी इंटरफेस और रूसी भाषा में 24/7 पर्यटक हेल्पलाइन प्रारंभ होगी। एक्सलेंसी, एससीओ क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा के लिए शांतिपूर्ण, एकजुट, सुरक्षित और समृद्ध अफगानिस्तान एक महत्वपूर्ण कारक है। हमारा उद्देश्य अफगान लेड, अफगान ओन एंड अफगान कंट्रोल समावेशी शांति प्रक्रिया के लिए सरकार और अफगानिस्तान के लोगों के प्रयासों का समर्थन करना है। हमें खुशी है कि एससीओ अफगानिस्तान कॉन्टेक्ट ग्रुप के फर्दर एक्शन का रोडमैप तैयार हुआ है। एक्सलेंसीज, हम सबका विजन हमारे क्षेत्र में हेल्दी कोऑपरेशन को मजबूत करना है। हेल्थ शब्द के अक्षरों से हमारे सहयोग के लिए एक अच्छा टेम्पलेट बन सकता है। एच फॉर हेल्थ केयर कोऑपरेशन, ई फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ए फॉर अल्टरनेट एनर्जी, एल फॉर लिटरेचर एंड कल्चर, टी फॉर टूरिज्म फ्री सोसाइटी, एच फॉर ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन। एच फॉर हेल्थ केयर कोऑपरेशन एसओ की 2019-2021 के लिए हेल्थ केयर कार्य योजना पर हमें जोर देना चाहिए। भारत को टेलीमेडिसिन और मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में अपने अनुभव साझा करने में खुशी होगी। ई फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, आर्थिक सहयोग हमारे लोगों के भविष्य का आधार है। एक पक्षवाद और संरक्षणवाद ने किसी का भला नहीं किया है। हमें विश्व व्यापार संगठन पर केंद्रित एक नियम आधारित, पारदर्शी, भेदभाव रहित, खुली और समावेशी बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की आवश्यकता है। इससे भी सभी सदस्यों, विशेष रूप से विकासशील देशों के हितों को ध्यान में रखा जा सकेगा। भारत एससीओ सदस्य देशों के बीच आर्थिक गतिविधियों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने पर तेजी से काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज हम महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। इनसे एससीओ में वित्तीय मामलों में और डिजिटलाइजेशन और आईसीटी में सहयोग मजबूत होगा। ए फॉर अल्टरनेट एनर्जी, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत की प्रतिबद्धता हमारे दर्शन में निहित है। जो पृथ्वी को माता के रूप में मानते हैं, आज भारत अक्षय ऊर्जा का 6ठा और सौर ऊर्जा का 5वां बड़ा उत्पादक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन भारत की संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य और ऊर्जा की लागत कम करने के लिए प्रौद्योगिकी और वित्त जुटाना है। हम इस पहल में एससीओ के देशों का स्वागत करते हैं
और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को विकसित करने में अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार है। आज हम एससीओ के अंतर्गत एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए वर्ष 2019-21 में सहयोग के कंसेप्ट पेपर पर सहमत हुए हैं। एल फॉर लिटरेचर हमारे युवाओं को एक दूसरे के साहित्य को यानी लिटरेचर के परिचय हमारे संबंधों को गहराई देगा। एससीओ देशों की भाषा में भारतीय साहित्य की 10 श्रेष्ठ कृतियों का ट्रांसलेशन किया जाएगा। हाल ही में उज्बेकिस्तान के सहयोग से ताशकंद में एससीओ फिल्म फेस्टिवल का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इसमें मनोरंजक बॉलीवुड और उज्बेकी फिल्मों का समावेश था। लिटरेचर और कल्चर हमारे समाजों को एक सकारात्मक गतिविधि प्रदान करते हैं, खासकर यह हमारे समाज में युवाओं के बीच रेडिकलाइजेशन फैलाने से रोक सकता है।